बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला. आई मीन लोग उन्हें इतना नहीं जानते हैं नॉर्थ में, तो बहुत ज़रूरी था कि जाके नॉर्थ में भी बात करें और लोगों को बताएं कि अरुण गावली कौन है. तो उनको अभी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी है कि यू नो ये कैरेक्टर कौन है, और दे वॉन्ट टू गेट टू नो हिम. कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कल फिल्म भी देखी तो उनको तो बहुत अच्छी लगी, और उनको या अरुण गावली की कहानी बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पता थी, तो मुझे बहुत पसंद आई. जी मैं सब जगह गया हूँ भाई. सब जगह गया. प्रेशर, प्रेशर तो रोज़ था. ये पिक्चर एक प्रेशर कुकर की तरह ही है, यू नो. और क्योंकि सब्जेक्ट ही वैसा है, यू नो, इट्स अ टेंस सब्जेक्ट. इट इज़ अ फिल्म विच बहुत सारे राइट्स लेने पड़ते हैं लोगों के, यू नो, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ा बहुत पीरियड्स हैं, तो उसे मैच करना, उसे उसकी ऑथेंटिसिटी लाने में बहुत तकलीफ़ें भी हुई, मगर एंड रिजल्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ. आई हैव ग्रोन अप नाउ. अच्छा, पहले क्या था मैं? हाँ, मेरे ख्याल से इट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म दैट आई हैव डन, एंड इट्स नॉट ईजी फिल्म टू डू. इट्स अ टफ कैरेक्टर टू प्ले, इट्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ अ पर्सन हु इज़ लिविंग, एंड आई होप आई हैव जस्टिफाइड इट कम्प्लीटली. नाउ ऑडियंसिस विल सी इट ऑन फ्राइडे, एंड लेट्स सी, आई होप दे लाइक इट, एंड दे आई होप आई हैव जस्टिफाइड दिस पार्ट. हसीना पाकर आएगी, एक रिश्ता था गावली और यू नो उनका भी, एंड श्रद्धा इज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट, इट्स लुकिंग ग्रेट, एंड आई डू होप दैट दैट फिल्म ऑल्सो रियली वर्क्स. जब डैडी अपना दरबार रखेगा ना, तब आके पूछना ये सब भाई. चल भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम, गिव दिस फिल्म अ शॉट एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, वेरी यूनिक फिल्म, एंड आई हैव नॉट सीन अ फिल्म लाइक दिस एवर मेड इन इंडिया. It's a very unique gangster. There is not a gangster like this anywhere in the world, so you can't compare him. So give Daddy a shot on 8th of September in cinemas close to you or far away from you. Thank you. अरे पूछेगा कौन? डैडी तो जरूर देखने आया हूँ, और एक मिनट. हाँ, नाउ क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई? अच्छा मैडम, क्या पूछा आपने? सॉरी, नहीं बिल्कुल, आई मीन डैडी के बारे में, हम मुंबई में रहते तो बहुत सुना है डैडी के बारे में, अरुण गावली जी के बारे में, और यस आई मीन अंडरवर्ल्ड पे बहुत सी फिल्में बनी हैं, बट मैंने सुना ये बहुत ही जेन्युइन स्टोरी है. दाऊद इब्राहिम पे फिल्में देखी है, चलो इस बार हम अरुण गावली जी पे भी पिक्चर देखेंगे.
फैक्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ मैंने मैंने इस डायरेक्टर का पहले काम देखा है और बहुत ही जेन्युइन फिल्म्स बनाते हैं और बहुत होमवर्क किया और अर्जुन रामपाल ने बहुत मेहनत की इसके लिए, स्पेशली उनके नाक के ऊपर, कलर के ऊपर और सब कुछ। तो हाँ मैं वेटिंग टू सी द फिल्म। डैडी के साथ मम्मी को भी देखी। यहाँ खड़ा हो जाओ यहाँ। क्या हो रहा है? ओके यहाँ पे चप्पल ओके जी जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है। पर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप एवरीबडी लव्स इट। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट अ टिपिकल गैंगस्टर मूवी, समथिंग लाइक अ वेरी वेरी रियल फिल्म अबाउट अ रियल कैरेक्टर। तो या आई एम वेरी हैप्पी विद इट। I'm very surprised at the response. It's been so good. You know, from the time of the trailer to the film, it's been a really superb response. So, yeah? Okay, thank you.